जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी का एक ही लक्ष्य एसएससी जीडी बनना। जिस किसी का सपना या लक्ष्य है कि मुझे एसएससी जीडी के अंदर कुछ करने का है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो दोस्तों 25 में से 25 सही करेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्शन देने वाले प्रश्न हैं और आज हम कुल 25 प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 25। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ फाइल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये हमारी दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए 50 मॉडल पेपर सेट, क्या 50 फुल प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट साथ साथ में हम दे रहे हैं पीडीएफ फाइल भी। क्या दे रहे हैं दोस्तों? पीडीएफ फाइल भी। ये हमारे क्लास नंबर एक है, इसका पीडीएफ फाइल है। मात्र 51 रुपये में आप पे कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम तक रहेगा। कब तक दोस्तों? एग्जाम तक रहेगा, जिसके अंदर 50 फुल मॉडल पेपर सेट मिलेंगे। और आप दोस्तों हमें क्या करना है, 9461041363 पे अपना नाम, क्या लिखना, नाम और अपना राज्य का नाम लिखना है कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ। यस, और जो राज्य जिस राज्य के अंदर है उसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा कि ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाए। अपना नाम और अपने राज्य का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वो आप अपने ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। और नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, स्टार एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। कुछ पीडीएफ वहाँ पर भी आपको मिलने वाली है, जो फ्री के अंदर पीडीएफ होगी वो वहाँ पर होगी। और दोस्तों 51 रुपये में 50 मॉडल पेपर सेट दे रहे हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से करके आप व्हाट्सएप करेंगे। चलिए दोस्तों, जीत की तैयारी। एसएससी जीडी एक ही लक्ष्य। स्टार एजुकेशन पर ओनली फॉर एसएससी जीडी के ही वीडियो आएंगे, बाकी किसी के नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों पहले प्रश्न के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा दोस्तों, 15 सेकंड दूंगा। और 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का वेरी आंसर है सक संवत। क्या है? सक संवत आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दो नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, जल्दी से दोस्तों फटाफट से बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ साथ में। और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, वो व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों आपका राइट आंसर। क्या है? तीनों आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें दोस्तों। टाइमिंग आपके सामने है दोस्तों, 15 सेकंड का जो टाइम है, 15 सेकंड के अनुसार आपको नंबर देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। क्या बात, सभी का फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ साथ में। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दोस्तों रोम। क्या है? रोम। सवाल पूछा है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो डेन्यूब नदी के किनारे रोम स्थित नहीं है। चलिए अगला देखिए, चार नंबर, भारत के विदेशी विनिमय समय की प्रतिरक्षा कौन करता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होता है आरबीआई। क्या है? आरबीआई आपका राइट है। चलिए देखिए पांच नंबर, अहमदाबाद में स्थित, अहमदाबाद में स्थित अभय घाट के बारे में पूछा है। अभय घाट किससे संबंधित है? अभय घाट किससे संबंधित है? जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, जो अभय घाट है ना वो किससे संबंधित? मोरारजी देसाई से संबंधित। किससे? मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री
फायान किसके शासनकाल में भारत आया, किसके शासनकाल में भारत आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ साथ में। दोस्तों फटाफट प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। यस दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और दोस्तों यहाँ पीडीएफ के अंदर भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब समझौता किया, लखनऊ में वापिस लखन आ गए, लखनऊ का समझौता पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अपने दोस्तों को शेयर करें फटाफट से दोस्तों, 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन का, इसका राइट आंसर 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ था। चलिए 8 नंबर देखिए, किसी चुंबक को चुंबकत्व से दूर किया जाता है, जल्दी से बताइए। चुंबक से दूर किया जाता है, कैसे दूर किया जाता है। देखिए दोस्तों आपके सामने 9461041363 दे रखा है, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यस, और यहाँ पर अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है हथौड़े से पीटना, क्या है, हथौड़े से पीटना आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध का निम्न में से कौन सा परिणाम सही नहीं था, बताइए दोस्तों प्रश्न का उत्तर जल्दी से। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। आपको जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर आपको देना है। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य सेना में कटौती करना। चलिए 10 नंबर, भारतीय संसद में कितने देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, जल्दी से बताइए। दोस्तों भारत के अंदर जो संयुक्त रूप से होते हैं उनके लोकसभा अध्यक्ष करता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला देखिए, भारत में विनिमय मुद्रा का क्रय विक्रय द्वारा नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बताइए कौन सी संस्थान कंट्रोल करती है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी संस्थान है वो कंट्रोल का कार्य करती है। यस दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। पौधों का जनन अवयव कौन सा है, पुष्प है, कौन सा दोस्तों, पुष्प आपका राइट आंसर, क्या है, पुष्प। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, यस 1965 आपका राइट आंसर, क्या है, 1965 के अंदर की गई, कब की गई, 1965 के अंदर की गई थी। सोडियम को कहां रखा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम को कहां रखा जाता है, यस सोडियम को रखा जाता है 14 नंबर प्रश्न का, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, कहां रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है किसे, जल्दी से बताइए प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, 15 सेकंड में प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 15 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मैडम काजी कामा गुट निरपेक्ष, दोस्तों आपने पढ़ा होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ, यस
16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बेलग्रेड, क्या आपका बेलग्रेड आपका राइट आंसर क्या है, बेलग्रेड के अंदर हुआ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू कौन है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक। चलिए अगला देखिए, चोल राजा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चोल राजा राजेंद्र ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान क्यों किया था, इसका जो प्रमुख कारण क्या था, क्यों किया है, इनका प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग में अवरोध को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, अमजद अली खान किसे विधान में संबंधित है, वाद्य किसके वाद्य से संबंधित है दोस्तों, क्या है वाद्य से संबंधित है, सवाल पूछा गया वाद्य से संबंधित है दोस्तों, अहमद अली खान ने वो कौन सा सरोद वाद्य यंत्र, कैसा वाद्य यंत्र है, सरोद वाद्य यंत्र के साथ में। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, यस बाण भट्ट कौन है दोस्तों, बाण भट्ट के लेखक हर्ष चरित्र। चलिए निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा, सोने का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, स्वर्ण अगर दोस्तों भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर कर्नाटका, भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर कौन सा दोस्तों, कर्नाटक राज्य, कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर है, लेकिन पूछा विश्व के अंदर पूछा है तो राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की जॉन्सबर्ग, कौन सी खान है, जॉन्सबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए और प्रश्न का राइट आंसर 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स करें सभी स्टूडेंट्स। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा मात्र 51 में, 9461041363 पे आप फोन पे गूगल पे व्हाट्सएप अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम राज्य कौन थे, व्यक्ति कौन थे दोस्तों, अभी जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी और उससे पहले किसने दिया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ साथ में। यस प्रश्न का, इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिरक्षा मंत्री, राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, प्रश्न का राइट आंसर कौन है, राष्ट्रपति। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, 25 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सिनेबार किसका अयस्क है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिनेबार किसका अयस्क है पारे का अयस्क है दोस्तों, किसका है, 25 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें दोस्तों। और अगर आपको मॉडल पेपर सेट या पीडीएफ फाइल अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोस्तों मात्र 51 रुपये के अंदर व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन पे गूगल पे पेटीएम करके 9461041363 के ऊपर जाकर कर सकते हैं। और अपना दोस्तों नाम और अपने राज्य का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें और जो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।